हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमलदीप और आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डायसन सुपरसोनिक हेयर ड्रायर के बारे में। आई विल शो यू व्हाट यू गेट फॉर योर मनी। गाइस, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम डायसन। गाइस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे पर्सनली डायसन चाहिए था और मैंने डायसन अपने लिए ऑर्डर किया। हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें मिली है, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं। सो गाइस, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया और मेरी फ्रेंड ने मेरे को हेल्प किया और जिसमें मेरे को 20% डिस्काउंट भी मिला है। आइए चलो देखते हैं कि बॉक्स के ऊपर क्या क्या हमें लिखा है। सो गाइस, ये डायसन सुपरसोनिक प्रोफेशनल हेयर ड्रायर है और ये मेड इन मलेशिया है और इसके जो मैन्युफैक्चर 2021 So guys, आइए चलो देखते हैं कि हम इसको ओपन करके देखते हैं। I'm very excited. ये है हमारा Dyson. Oh my God. This is so good. So इस box के अंदर और कुछ नहीं है, हम इसको साइड में रख देते हैं। ये box ओपन होने के बाद Dyson Supersonic Professional Hair Dryer के ऊपर लिखा हुआ है और इसके ऊपर अगर आप देख सकते हो इसके मॉडल नंबर चीजें सब सीरियल नंबर इसका लिखा हुआ है और इसकी जो टोटल अभी ग्रॉस वेट है 2.4 ग्राम। सो आप समझ सकते हैं कि अच्छे से इन्होंने इतना पैकिंग करके दिया है। सो आप अगर ऊपर भी देख सकते हो इसके ऊपर प्रिंट करके दिया हुआ कि आपने इन्होंने मेंशन किया कि हैंडल में इन्होंने मोटर कैसे फिक्स किया हुआ है और ये जो राउंड वाला सर्कल है इसके अंदर हीट प्रोसेसिंग वाला मोटर जो इन्होंने डाला वो इस साइड डाला हुआ है और ये जो अपना एयर फ्लो वाला है वो इन्होंने यहाँ पे हैंडल में मेंशन किया है तो और जिसको फिल्टर है वो हैंडल पे दिया हुआ है। सो गाइस, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। वाओ, दिस इज अमेजिंग। सो गाइस, ये बॉक्स खाली है, इसको मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ। सो गाइस, दिस इज आवर डायसन सुपरसोनिक। सो आई लाइक दिस कलर। सो बेसिकली ये हैंडल पे जो मैट फिनिशिंग दिया हुआ है और ये मैट फिनिशिंग इसलिए ताकि आपकी ग्रिप एकदम अच्छे से रहे और ये राउंड वाला सेक्शन है पूरा ग्लोसी फिनिशिंग है और हैंडल इसका मैट है। ये आपका फिल्टर है, ओपन करके देखता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर हमें मिली है। लाइस, सो गाइस आप इसकी पैकेजिंग देखें, पैकेजिंग कितनी खूबसूरत की गई है। एवरी प्रोडक्ट इज प्लेस वेरी वेरी ब्यूटीफुली। सो गाइस, हमें इस हेयर ड्रायर के साथ कुछ ब्रोशर भी मिले हुए हैं और इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको इसको हेयर ड्रायर को कैसे किस किस तरीके से इस्तेमाल करना है और क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। सो आप ये बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। सो गाइस, एक और हमारे को ब्रोशर मिला हुआ है, ये हमारे अटैचमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है और इसके फ्रंट पेज में अगर आप देखेंगे जिसने ये डायसन बनाया है उसका नाम है जेम्स डायसन, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं बाद में। एक और हमारे को ब्रोशर मिला हुआ है, ये इंग्लिश और उर्दू में, सो उर्दू में नहीं आती तो इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ के हम लोग देख लेते हैं कि कैसा इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सो गाइस, ये फिल्टर के बारे में बताया गया है, ये इसका फिल्टर है और इसको कैसे रिमूव करना है और कैसे रिमूव करना है, कैसे क्लीन करना है, इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इसको भी थोड़ी देर बाद पढ़ सकते हैं गाइस। सो गाइस, इसके साथ ये वारंटी कार्ड मिला हुआ है जो कि 2 साल के लिए वैलिड है। जब भी आप डायसन का न्यू हेयर ड्रायर परचेज करेंगे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सो आपको ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी के लिए इसको साइड रखते हैं, अभी हम लोग डायसन की बात करते हैं। सो गाइस, ये है डायसन सुपरसोनिक प्रोफेशनल हेयर ड्रायर। आई जस्ट वांटेड टू ऑर्डर for black Nikon and I love the look and I love the color. This is very lightweight guys, this is looking so good. I especially like the gray glossing looks, very nice or premium super quality product. It is does not look like a normal hair dryer. So guys, this hair dryer ka bahut lightweight hai, easy hai hold karne ke liye kisi bhi direction mein. As you can see through your Dyson. So sabse pehle agar hum log baat karenge, mere ko iske andar 3 meter ka long cable mila hai aur ye bahut quality ka wire hai aur jo easy hai apne socket lens se mirror tak kaam karne ke liye bahut easy hai, apne aapko difficulty nahi hogi like, aur iski क्वालिटी गाइस बहुत अच्छी है। मेरे को ये इंडियन प्लग मिला है और जो कि बहुत क्वालिटी अच्छे वाला है। सो इसके साथ हमारे को 5 अटैचमेंट मिली है, मैं इस अटैचमेंट के बारे में थोड़े आपको देर से बताता हूँ। अभी हम लोग बात करते हैं डायसन के बारे में। सो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में बता देता हूँ। सो गाइस, अगर हम लोग इसके बैक साइड की अगर बात करें तो इसके अंदर फैन की स्पीड इस आपको दी गई है और इसकी फैन की स्पीड के मैं साथ साथ आप जो रेड बटन है इसके साथ में 3 लाइटिंग दी हुई है, इससे आपको हीट एडजस्ट कर सकते हो, लो मीडियम हाई हीट तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और मैं आपको थोड़ी देर में इसको ऑन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे लाइटिंग आएगी। आई होप आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, बट जैसे मैं इसको ऑन करूंगा आपको लाइटिंग यहाँ पे दिखेगी। अगर आप सेंसिटिव हेयर के लिए काम कर रहे हो तो आप लो हीट पे काम कर सकते हो, अगर आपके पास मीडियम टाइप का हेयर है तो आप उसके अकॉर्डिंग मीडियम हीट पे कर सकते हो, अगर आपके पास थिक और कोरस हेयर है तो हैवी हीट पे भी काम कर सकते हो और सेम स्पीड आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर हम लोग इस बटन की बात करें तो ये ऑन ऑफ का बटन, आप ऊपर करोगे तो इसको ऑन हो जाएगा, नीचे करोगे तो ऑफ हो जाएगा। और अगर आप ये ब्लू डॉट अगर देख रहे हो तो इस ब्लू डॉट लेट्स सपोज अगर आप ड्रायर किया हुआ है आपको सडनली कूल हीट चाहिए तो आप इसको प्रेस कर सकते हो तो एकदम कूल हीट आएगी, आपको बार बार यहाँ से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप हैंडल की अगर बात करें तो
हैंडल बहुत मैट फिनिशिंग और बहुत अच्छा है और बहुत लाइट वेट है। आपके इस हैंडल में ही आपको मोटर एडजस्ट करके दिया हुआ है। सो गाइज ये एरिया स्टैटिक हेयर को कंट्रोल करता है। अगर आप दूसरा हेयर ड्रायर यूज कर रहे हो तो आप उस हेयर के पास लेके जाओगे स्टाइल करते करते तो स्टैटिक हेयर खड़े हो जाते हैं। इस हेयर ड्रायर को अगर आप हेयर के पास भी लेके जाओगे स्टाइल भी करोगे तो आपके हेयर स्टैटिक नहीं होगा, बिकॉज इस एरिया में इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो स्टैटिक हेयर को क्रिएट नहीं करता। सो ये बहुत बेस्ट पार्ट है बिकॉज और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। सो गाइज इसके अंदर V9 मोटर है और इसके अंदर 13 ब्लेड है जो कि इसके एयर फ्लो को बहुत फास्ट करता है। सो गाइज इसका माइक्रो प्रोसेसर है जो यहाँ पे दिया गया है और जो इसकी डिजिटल मोटर है वो इस हैंडल में फिट की गई। सो गाइज डाइसन सेज इट्स क्रिएट 110,000 RPM बट ये हाई प्रेशर क्रिएट करता है ताकि हेयर फास्ट ड्राई हो, स्कैल्प को भी हार्म नहीं करता है, ये इतना ज्यादा आवाज भी नहीं करता है। ये हमारा फिल्टर है, इजी टू रिमूव है और इस फिल्टर को आपको अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हो तो इसको वंस इन अ मंथ क्लीन करना जरूरी है। और इसको मैं आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ कि इसको कैसे रिमूव करना है। यहाँ पे निशान है, इसको हल्का सा आप इसको प्रेस करेंगे नीचे को, ये इजीली रिमूव हो जाएगा। ये गाइज आपका फिल्टर है, इसको आपको कैसे क्लीन करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये आपका फिल्टर का जो पैकिंग है, इसको आपको इजीली सॉफ्ट कपड़े से साफ करना है, कॉटन वाले से, और इसको रिमूव करना है। आप इसको हल्के से ऐसे कर देखा जाए, ऐसे हल्का सा ओपन करेंगे आप ऐसे निकाल भी सकते हैं इसको। ये हमारे को फिल्टर दो मिले हुए हैं। डायसन वालों ने एक चीज़ सबसे बेस्ट दिया है कि एक अगर आपको फिल्टर का रेगुलरली यूज़ कर रहे हो अपने सलोन या होम में कभी भी यूज़ कर रहे हो तो एक फिल्टर आप निकाल सकते हो, सेकंड आप तब तक क्लीन कर सकते हो। तो इसको लगाना कैसे है आप देख सकते हैं, इसको बहुत प्यार से इसको ओपन करना है। ये आपने लगाया, यहाँ पे अगर आप एरो देख पा रहे हैं, एक ये एरो बने हुए हैं, ये एरो देख पा रहे हैं, तो इसको हल्का सा आप ऐसे प्रेस करोगे तो ये मैग्नेट बेस है, इजीली अपने आप स्टक हो जाएगा। सो गाइज अगर इसकी हम लोग फ्रंट साइड की बात करें तो ये मैग्नेटिक बेस्ड है और इसको ईजी है आपको कोई भी अटैचमेंट आपको लगाने के लिए और किसी भी डायरेक्शन को आप इसको रोटेट करने के लिए। अगर आप देखोगे इसके पास लेके जाओगे तो ये इजीली अटैच हो जाएगा और इसको किसी भी डायरेक्शन में आपको आप रोटेट कर सकते हो और इसको इजीली आप ये निकल भी जाएगा। आप ये 5 अटैचमेंट ऐसे ही है, सारी मैग्नेटिक बेस्ड है, इजीली अटैच हो जाएगी। सो इजी टू रिमूव, इजी टू अटैच। तो गाइज ये बहुत छोटा ड्रायर है, इजी है मेंटेन करने के लिए, मेरी किट में इजीली मैं इसको मेंटेन कर सकता हूँ। और गाइज जरूरी नहीं है कि ये हेयर ड्रायर प्रोफेशनल सलोन के लिए इस्तेमाल किया होगा, आप अपने लिए पर्सनल के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर पे भी इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इजी टू करिए गाइज। सो गाइज दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो फ्रॉम डाइसन बट मैं इसकी रिव्यू करना चाहता था इसलिए आज मैं आपके सामने इसका रिव्यू कर रहा हूँ। जिनको इसके बारे में नहीं पता तो एटलीस्ट ऑर्डर करने से पहले आपको थोड़ी सी चीजों की बेसिक चीजें पता हो कैसे ऑर्डर करनी है, बिकॉज इसके इसमें दो चीजें है, एक डाइसन सुपरसोनिक है, एक एयर रैप है। सो आपको दोनों का डिफरेंस समझ आए। सो गाइज डाइसन के साथ ये स्मूथिंग नोजल दी गई है, इसके साथ बालों को हम स्मूथ कर सकते हैं। सो गाइज इसके साथ हमें ये फ्लाईवे मिला हुआ है और ये स्पेशली ये यूनिक है जो कि दूसरे ड्रायर में जल्दी से नहीं मिलता, ये डाइसन वालों का न्यू एडिशन लॉन्च है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, स्पेशली लॉन्ग हेयर के लिए स्मूथ और स्ट्रेट करता है और जो फ्लाईवेज है उसको भी हाइड करता है। सो गाइज इसके साथ हमें जेंटल अटैचमेंट मिला हुआ है जो कि जेंटल कूलिंग एयर क्रिएट करता है और जो कि स्कैल्प को फास्ट ड्राई करता है और जो आपकी स्कैल्प को हीट से भी प्रोटेक्ट करता है। सो गाइज इसके साथ हमें स्मूथिंग नोजल मिला हुआ है जो कि डिक्रीज करता है फ्रिजीनेस, क्रिएट करता है वॉल्यूम और नेचुरल लुक और स्मूथ फिनिशिंग। इसके साथ हमें डिफ्यूजर मिला हुआ, गाइज इज सो गुड, इट्स सो अमेजिंग बिकॉज ये इक्वली हीट को फ्लो करता है और फ्रिजीनेस को डिक्रीज करता है, कर्ल्स को मेंटेन करता है, नेचुरल लुक देता है, बीची लुक देता है। आप कैसे भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, नेचुरल वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं विद द प्रोडक्ट। सो इट्स सो गुड गाइज, आई लव दिस। सो गाइज ओवरऑल ये हेयर ड्रायर बहुत अच्छा है और इसकी वर्थ है और ये इजी टू यूज है और आप ये सलोन में ही नहीं, आप इसको घर पे भी यूज कर सकते हैं और आप इसको किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। सुपर, इट्स रियली अमेजिंग गाइज। इसके साथ जो अटैचमेंट मिली है इसको कैसे कैसे यूज करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लोगों के लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। सो गाइज डाइसन का स्टोर इंडिया में भी अवेलेबल है, आप स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। सो गाइज इस हेयर ड्रायर की वर्थ है, मैंने तो खरीद लिया है, नाउ इट्स योर टर्न। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट इन द बिलो सेक्शन, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब and please press the bell icon so that you will get future videos notification.